बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत अरसे बाद वीडियो बना रही हूँ। मेरा जो कैट है वो बहुत ख़राब हालत में है। उसको आप लोगों से मैं दुआ का कह रही हूँ कि अल्लाह से दुआ करें कि उसको शिफा दे, क्योंकि कैट के दो तीन वेट्स को मैंने दिखाया था और एक वेट ने कहा कि जिससे अभी उसका इलाज चल रहा है, उसने कहा कि उसकी जान खतरे में और कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैंने उससे कहा था कि मुझे साफ बता दो, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत बिगड़ती चली जा रही है और तकरीबन मेरे ख़्याल से 10 दिन हो गए या 12 उसकी इतनी ज़्यादा ट्रीटमेंट्स के, मेडिसिन्स के और हर चीज़ के बावजूद उसकी तबीयत जो है वो संभल नहीं रही है। और उसके ब्लड टेस्ट भी हुए हैं, उसका अल्ट्रासाउंड भी हुआ है और मसले आए हैं उसमें। व्हेन आई वाज गेटिंग ट्रीटमेंट फॉर हिम तब भी उसका मसला बिगड़ रहा था। एंड आई वाज टेलिंग द वेट कि उसका मसला बिगड़ रहा है और अब वेट ने मुझे कहा है कि इसके वाइट ब्लड सेल्स का मसला आ रहा है और उसके और भी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आप लोग को डिटेल में शायद फिर कभी बताऊं कि क्या क्या मसले आ रहे हैं। और बहुत मेडिसिंस के बावजूद वो एक ही इज़ कम्प्लीटली डाउन। वो एक ही जगह पड़ा रहता है, सिर्फ पानी पीने जाता है, शुक्र है पानी पी रहा है। खाना 24 घंटे में सिर्फ एक दफ़ा खाता है, वो भी बहुत थोड़ा सा। और जैसे वो मुझसे मोहब्बत का इज़हार करते हैं कैट्स अपने ओनर्स से, वो जैसे उसने हमेशा किया मुझसे, अब उसने करना छोड़ दिया है 10-12 दिन से, क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ में है। और आज मुझे वेट ने कहा कि, मैंने कहा देखो सही बता दूँ कितना ख़तरा है, मैं उसने कहा कि 50% तो उसकी डेथ के चांस है, 50% अब बचाने की कोशिश करेंगे। मैंने उसे कहा कि देखो मैं रोज़ उठ के उसकी सांसें चेक करती हूँ, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन उसके जैसे ऊपर नीचे इनकी बॉडी होती है, सांसें जैसे हमारे होती है, मैं उसने कहा कि मैं सांस चेक करती हूँ उसका, तो उसने कहा हम बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी भी पड़ा हुआ है। उसके आगे मैंने 3 दफ़ा जेली जो बिल्लों के ब्रांड्स आते हैं ना, तो चिकन इन जेली मैंने रखी डॉक्टर के यहाँ से ला के, वो खा ही नहीं रहा, वो ऐसे पानी पी के चला गया। तो मैं उसको डॉक्टर की दी हुई दवाई नहीं खिला सकती, क्योंकि मतलब आजकल तो खाइए दवा, क्योंकि अभी उसने खाना नहीं खाया, जब खाना खाएगा तो दवा दूंगी। उसकी हालत दिन ब दिन यार उम्र बिगड़ती चली जा रही है। इतना पुराना साथ है यार इसके साथ, प्लीज दुआ करें अल्लाह उसको शिफा दे। पता नहीं उसको क्या हो गया यार, 10-12 दिन पहले तक तो जैसे माशाल्लाह से एक्टिव, खाना पीना, यूरिन पास करना, स्टूल पास करना, मुझे प्यार करना, सब कुछ दाम तो सब कहता हो गया यार। जो भी बैठने का है मैं तो सब कर रही हूँ यार, वो जो भी कहते मैं तो करती हूँ, जो दवा कहते पिलाती, जो ये उसकी बेहतरी भी हो रही है।
पूरी पूरी को पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें, बल्कि सभी मामलात यार, जो अल्लाह की रजा होती है वही होता है। तो मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ यार, इसलिए दुआ कर रही हूँ अल्लाह इसको शिफा दे दे। लिए दुआ करें कि अल्लाह इसको शिफा दे दे। पता नहीं इसको मैंने हर साल जो कैट्स की एनुअल वैक्सीनेशन होती हैं 3 मेजर बीमारियों के खिलाफ, कैल्सी वायरस, पैलिक्यूपीनिया करके, और एक रेबीज, इसकी सारी वैक्सीनेशन करवाती हूँ। हर तीन महीने बाद डॉक्टर के पास जाके डीवर्मिंग का इंजेक्शन, जो जो डॉक्टर सब किया, लेकिन यार बस ये है, ये बीमारी तो अल्लाह की तरफ से आती है। वो कह रहे, और फाइनली आज कह रहे थे कि उसको वायरल भी हो गया, वो उसी से हालत बिगड़ी। मैंने कहा ये तो मैं इसको किसी बाहर की कैट से तो मिलने भी नहीं देती है, तो अंदर ही रखती हूँ, इंडोर कैट है पर्शियन। तो बस यार कभी कभी मुझे आप लोग या सब्सक्राइबर्स, या पता नहीं हो मेरे सब्सक्राइबर या वैसी वीडियो देख रहे होते हैं, वो मुझे कहते हैं कि यार आप क्या अपनी वीडियोस में कॉमेडी करते रहते हो। तो यार अब ये कमेडियन कॉमेडी नहीं कर यार, जो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है वो तो जिंदगी और मौत में चला गया यार। क्या करूँ यार, अल्लाह रहीम है यार, रहम कर दे इस पे। मैं इसको तकलीफ मेरी देख सकती, उल्टियाँ रोज उल्टियाँ रोज उल्टियाँ करता है। मैं अरे यार होने वाली बात तो होके रहती है, अल्लाह ने इसकी किस्मत में शिफा लिखी है तो शिफा होगी, जो लिखा है वो ही होगा।